अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पंद्रह सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को आराम देकर रोहित शर्मा को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होने के बाद ही इस खिलाड़ी ने ले लिया संन्यास, सब हैरान है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम बद्रीनाथ है। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को भारत के लिए ज्यादा मैच खेलने के मौके नहीं मिले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई मैच खेले हैं। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने घरेलू क्रिकेट में 10,245 रन बनाए हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में सुब्रमण्यम बद्रीनाथ 35 शतक और 45 अर्धशतक लगा चुके हैं। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का घरेलू क्रिकेट में बल्लेबाजी का सर्वाधिक स्कोर 250 रन है। ऐसी ही और रोचक खबरों के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।